दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम शैलेंद्र मिश्रा है और आप देख रहे हैं आईटी अड्डा। आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स। आज इस पर्टिकुलर वीडियो सीरीज में हम बात करेंगे आउटलुक की जो डेटाबेस फाइल होती है जिसको हम .pst एक्सटेंशन से जानते हैं, उस पर्टिकुलर .pst को आप रिपेयर कैसे कर सकते हैं। अच्छा, रिपेयर करने के पीछे का रीजन ये हो सकता है कि आपकी आउटलुक पे जो मेल्स हैं वो आने और जाने में, मीन सेंडिंग और रिसीविंग में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। कभी आपकी मेल सेंड नहीं हो पा रही है, कभी आपकी मेल रिसीव नहीं हो पा रही है। ऐसे सिचुएशन में यदि आप अपनी जो डेटाबेस फाइल है, बेसिकली आउटलुक की जो डेटाबेस फाइल है जिसमें आपके सारी मेल्स आ रही हैं और जा रही हैं, कंटेंट्स हो रही हैं, उसको हम .pst एक्सटेंशन से आइडेंटिफाई करते हैं और वो पर्टिकुलर फाइल में कुछ किसी प्रकार का कोई बग है, कोई इश्यूज है, तो वो बेसिकली आपकी सेंडिंग और रिसीविंग पे अफेक्ट आ जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में यदि आप अपनी पर्टिकुलर पीएसटी फाइल को रिपेयर कर देते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली आपकी वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाती है। इसके लिए सबसे पहले आपको ये जानना कंपलसरी है कि आपकी फाइल की लोकेशन क्या है। तो लोकेशन के लिए मैं आपको दो अलग अलग तरीके बताता हूँ। पहला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तरीका बताता हूँ जिसको आपको लर्न करना पड़ेगा। तो जनरली आप अपना माई कंप्यूटर ओपन करेंगे, सिंपली दिस पीसी पे आ जाएंगे। इसके बाद आपकी जो सिस्टम ड्राइव है जिसमें आपने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर रखा है, उस पर्टिकुलर ड्राइव को एक्सप्लोर कर लेंगे। वहां पे आपको एक यूजर्स के नाम का फोल्डर यहाँ पे दिखेगा, आपको इस पर्टिकुलर फोल्डर को ओपन कर लेंगे। इसके बाद आपके जितने भी नंबर ऑफ यूजर्स होंगे वो सारे यूजर्स यहाँ अपीयर हो जाएंगे। अब जिस पर्टिकुलर यूजर पे आपने आउटलुक कॉन्फिगर किया उस पर्टिकुलर यूजर को पॉइंट आउट करें। यदि आपको लगता है कि इसमें आपका यूजर बेसिकली कौन सा है, तो इसके लिए सिंपली आप रन पे चले जाएं और CMD लिख के हिट कर दें। जो पर्टिकुलर यूजर यहाँ डिस्प्ले करेगा वही यूजर इस समय रनिंग है। तो बेसिकली मेरे केस में इस समय एडमिन यूजर जो है वो रनिंग है और यहाँ पे एडमिन ओपन करेंगे। एडमिन के अंदर आपको एक पर्टिकुलर यहाँ पे ऐप डेटा नाम का फोल्डर मिलेगा। बेसिकली ये फोल्डर हमेशा हाइड होता है और इसे अनहाइड कैसे करना है, यदि आपके केस में यहाँ पे ऐप डेटा नाम का फोल्डर नहीं दिख रहा है तो आपको व्यू ऑप्शन पे जाना है। आपको यहाँ पे जैसे हिडन आइटम्स पे चिक है, जैसे ही इसे अनचिक करेंगे आप यहाँ देख सकते हैं ऐप डेटा नेम का जो फोल्डर है वो इस समय डिसअपियर हो गया है, दिख नहीं रहा है। तो आपको यहाँ आके हिडन आइटम्स पे चिक कर देना होगा। जैसे आप चिक करेंगे आप पाएंगे कि यहाँ आपका ऐप डेटा दिखने लगा है। तो ऐप डेटा ओपन करेंगे माय डियर फ्रेंड्स। ऐप डेटा के अंदर आपको यहाँ पे एक तीन फोल्डर नजर आएंगे, लोकल और रोमिंग और लोकल लॉ समथिंग करके। तो यहाँ पे लोकल जो फोल्डर है ऊपर वाला उसको आपको एक्सप्लोर करना है। इसके अंदर आपको यहाँ पे बहुत सारे फोल्डर नजर आएंगे जिसमें आपको माइक्रोसॉफ्ट नाम का फोल्डर जो नजर आ रहा है इसको ओपन करना है, माइक्रोसॉफ्ट नाम का फोल्डर। इसके बाद इसके अंदर आपको आप बहुत सारे फोल्डर फिर देखने को मिलेंगे, तो इंक्लूडिंग आउटलुक, आपको यहाँ आउटलुक फोल्डर को टारगेट करना है। और आउटलुक फोल्डर जैसे ओपन करेंगे यहाँ पे आपके पर्टिकुलर जितने भी पीएसटी फाइल्स होंगी वो यहाँ पे आपको डिस्प्ले कर जाएंगी। यहाँ पे एक आउटलुक ऑलरेडी कॉन्फिगर था तो उसकी प्रॉपर्टीज पे मैं आपको दिखा दूँ, ये आपकी .pst डेटाबेस फाइल है। बट करेंटली अभी मेरा जो आउटलुक चल रहा है मैंने उसका पाथ जो है वो डिफरेंट लोकेशन दिया हुआ है, तो उसके बारे में आगे चल के बात करेंगे। फिलहाल में आपकी ये लोकेशन जो है यहाँ पे आपको सी ड्राइव, यूजर, एडमिन, ऐप डेटा, लोकल, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, ये पर्टिकुलर स्पेसिफिक पाथ हमेशा इंटरव्यू में पूछा जाता है, तो आप इसको लर्न कर लेंगे। मेरे केस में मैंने अपनी जो डेटाबेस फाइल है वो डेटाबेस फाइल का लोकेशन चेंज कर दिया है। तो मेरी डेटाबेस फाइल इस समय करंट में जो आउटलुक कॉन्फिगर है मेरी मेल आईडी का इंट्रो टेक्नोलॉजी ग्रुप का, इस पर्टिकुलर मेल आईडी का जो पाथ है वो पाथ कहाँ है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सिंपली आप चले जाएंगे सिस्टम ड्राइव में, सिस्टम ड्राइव इन द सेंस आप यहाँ सीधे चले आएंगे डॉक्यूमेंट्स फोल्डर। डॉक्यूमेंट्स फोल्डर के अंदर आउटलुक फाइल्स यहाँ नजर आ रही है फोल्डर, आउटलुक फाइल्स ओपन करेंगे तो ये पर्टिकुलर मेरी जो करंट में रनिंग जो आउटलुक की डेटाबेस फाइल है antiotechnologygroup@gmail.com। प्रॉपर्टीज में जाएंगे आप यहाँ देख पा रहे होंगे एक्सटेंशन आ रहा है .pst, तो ये .pst मेरी इस पर्टिकुलर फाइल की लोकेशन है। अब मुझे इसी पर्टिकुलर पीएसटी फाइल को रिपेयर करना है। सपोज करो कि मेरे इस पर्टिकुलर आउटलुक में, मतलब जो भी इस पर्टिकुलर डेटाबेस फाइल का आउटलुक है आपके सामने एक्सप्लोर है, माना कि इस पर्टिकुलर मेल आईडी के थ्रू आउटलुक में किसी प्रकार की कोई सेंडिंग और रिसीविंग नहीं हो पा रही है, तो ऐसी सिचुएशन में आप अपनी पीएसटी फाइल को रिपेयर करते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली प्रॉब्लम रिजॉल्व होने के चांसेस रहते हैं
बट आउटलुक के बहुत सारे पैरामीटर माय डियर फ्रेंड्स, इंक्लूडिंग ऑल सारे पैरामीटर्स के ऊपर वन बाय वन मैं वीडियोस बनाने वाला हूं। बट उसकी शुरुआत करते हुए सबसे पहले आप सीखेंगे कि पीएसटी फाइल को रिपेयर कैसे करना है। तो रिपेयर करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी पीएसटी फाइल की लोकेशन जाननी कंपलसरी, जो कि मैंने बता भी दिया है। यदि आप आउटलुक के जरिए अपनी पीएसटी फाइल तक पहुंचना चाहते हैं तो वो कैसे पहुंच सकते हैं, सिंपली आपको फाइल पे क्लिक करना है। पहले यदि आपको लगता है कि आपकी पीएसटी फाइल नहीं मिल रही है तो आप सिंपली आउटलुक के थ्रू डायरेक्ट अपनी पीएसटी फाइल को एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसके लिए आपको फाइल ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको अकाउंट सेटिंग्स नजर आए, इस पे क्लिक करना है। अकाउंट सेटिंग्स के अंदर अकाउंट सेटिंग्स दोबारा नजर आएगी, इस पे क्लिक करना है। इसके बाद आपके अकाउंट सेटिंग्स के सारे ऑप्शंस अपीयर हो जाएंगे। यहाँ पे आपकी ईमेल आईडी शो ऑफ हो रही है, जो पर्टिकुलर ईमेल आईडी इसमें कॉन्फिगर होकर चल रही है। हो सकता है एक से ज्यादा आउटलुक आपने कॉन्फिगर कर रखे हो, तो सारे के सारे ईमेल आईडीज यहाँ पे आपको नजर आएंगी। इसके बाद इसके जस्ट बगल में एक फोल्डर है, एक पर्टिकुलर मेन्यू आ रहा है डेटा फाइल्स। डेटा फाइल्स पे जैसे क्लिक करेंगे तो इसमें आप अपनी पर्टिकुलर मेल आईडी के अकॉर्डिंग चूज कर ले कि किस पर्टिकुलर मेल आईडी की .pst फाइल आपको एक्सप्लोर करनी है। तो यहाँ पे एंटोटेक्नोलॉजी ग्रुप का जो मेरी मेल आईडी ऑलरेडी कॉन्फिगर होकर चल रही है, जो रनिंग सिचुएशन में है, मैंने उसको सेलेक्ट करके यहाँ पे एक ऑप्शन नजर आ रहा है ओपन फाइल लोकेशन। जैसे इस पे ओपन फाइल लोकेशन क्लिक करेंगे सीधे अपनी फाइल पे पहुंच जाएंगे। मतलब वो पर्टिकुलर फाइल जहां कहीं भी होगी कंप्यूटर में, डायरेक्ट उस पर्टिकुलर फाइल को एक्सप्लोर कर देगी। और यहाँ पे आपकी ये पर्टिकुलर फाइल जो है वो आपकी करंट रनिंग डेटाबेस फाइल है, जिसके अंदर सारी मेल्स आ रही हैं और जा रही हैं। ठीक है, अब इसी पर्टिकुलर फाइल को रिपेयर करना है। रिपेयर करने के लिए माय डियर फ्रेंड्स, आपके एमएस ऑफिस में एक टूल दिया होता है जिसको scan.pst के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? scan.pst। ठीक है, अब ये पर्टिकुलर टूल आपको कहाँ मिलता है? जब आपने एमएस ऑफिस इंस्टॉल किया होगा तो एमएस ऑफिस जब भी इंस्टॉल करेंगे, तो कोई भी एप्लीकेशन जब भी इंस्टॉल करेंगे तो वो पर्टिकुलर सी ड्राइव की लोकेशन में जाके इंस्टॉल होता है। तो सबसे पहले scan.pst फाइंड आउट करने के लिए आप अपनी सी ड्राइव ओपन करेंगे। सी ड्राइव के अंदर आपको यहाँ पे दो प्रोग्राम फाइल्स नजर आएंगे, जिसमें ब्रैकेट में x86 लिखा हुआ आ रहा है। इस पर्टिकुलर फाइल को, फोल्डर को ओपन करना है। जैसे इस फोल्डर को ओपन करेंगे, इसके अंदर आपको बहुत सारे फोल्डर्स नजर आएंगे, इंक्लूडिंग योर एमएस ऑफिस। जो भी पर्टिकुलर एमएस ऑफिस का फोल्डर होगा वो यहाँ पे नजर आ जाएगा। तो आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वाले फोल्डर को टारगेट करते हुए इसे एक्सप्लोर करेंगे। इसके अंदर आपको रूट्स नाम का फोल्डर नजर आएगा। ध्यान रहे, आपको इसके अंदर रूट्स नाम का फोल्डर नजर आएगा। हो सकता है कि आप यहाँ ऑफिस 16 पर डबल क्लिक करके जाने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे आपको वो ऑप्शन नहीं नजर आएगा। तो आप यहाँ पे रूट फोल्डर को टारगेट करेंगे। रूट फोल्डर को जैसे ही टारगेट करेंगे, इसके अंदर जाएंगे तो आपको यहाँ पे ऑफिस 15 और 16 नजर आएगा। तो बेसिकली जो पर्टिकुलर वर्जन आपने इंस्टॉल कर रखा होगा, मेरे केस में ऑफिस 16 चल रहा है, तो यहाँ पे मैंने ऑफिस 16 को ओपन किया। ओपन करने के बाद आप यहाँ स्क्रॉल डाउन करके आएंगे, एस अल्फाबेट से, एस कैरेक्टर से जब आप पहुंच जाएंगे तो यहाँ पे जो फाइल्स शुरू होंगी, जहां से फाइल की लिस्ट शुरू होगी, उस फाइल की लिस्ट में जब आप एस कैरेक्टर पे पहुंचेंगे तो आपको वहां नजर आएगा। अभी मैं एम कैरेक्टर पे हूं। इस तरीके से नीचे स्क्रॉल कर लेंगे, MNOPQRS। ठीक है, आप जब एस कैरेक्टर पे पहुंचेंगे, आप डायरेक्टली भी फाइंड आउट कर सकते हैं, बट मैं आपको प्रॉपर विधिवत दिखाना चाह रहा हूं। तो यहां पे आपको scan.pst नजर आएगी। तो बेसिकली और डाउन करेंगे, और नीचे जाएंगे, जाते रहेंगे नीचे, यहां पे आपको scan.pst नाम की एक पर्टिकुलर फाइल नजर आ रही है। बेसिकली फाइल कम एक पर्टिकुलर टूल है, और वैसे आप सर्च बॉक्स में भी जाके ढूंढ सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर फाइल को आपको डबल क्लिक करके एक्सप्लोर कर लेना है। ठीक है, आप जैसे ही डबल क्लिक करेंगे आपके सामने ये पर्टिकुलर रिपेयर टूल जो है ओपन होके आ जाता है। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि आप अपनी फाइल को चूज करें, मतलब .pst फाइल को, आप अपने आउटलुक की डेटाबेस फाइल को चूज करें जिसको आपको रिपेयर करना है। तो यहाँ पे ब्राउज ऑप्शन पे देखो, यहाँ पे अभी स्टार्ट का जो ऑप्शन है वो हाइड आ रहा है। जब तक यहाँ फाइल की लोकेशन नहीं दे देंगे तब तक ये पर्टिकुलर ऑप्शन हाइड आता रहेगा। तो यहाँ ब्राउज पे क्लिक करेंगे,
अब वो पर्टिकुलर डेटाबेस फाइल जहां कहीं भी हो, अपना पाथ लोकेशन अपनी खुद फाइंड आउट करनी है आपको। तो मेरे केस में मेरी फाइल जो है डॉक्यूमेंट्स के अंदर है, डॉक्यूमेंट्स में आउटलुक फाइल्स के अंदर है, आउटलुक फाइल के अंदर ये मेरी डेटाबेस फाइल है ntutechnologygroup@gmail.com। मैंने इस फाइल को यहाँ पे एक्सप्लोर कर लिया। जैसे ही मैंने फाइल को एक्सप्लोर किया, यहाँ पे स्टार्ट का ऑप्शन आ जाएगा और जैसे आप स्टार्ट करेंगे आपकी पीएसटी फाइल यहाँ पे स्कैन होके रिपेयर हो जाएगी। रिपेयर होने का मतलब है अभी वो स्कैन हुई है, स्कैन होने के बाद यहाँ पे आपके सामने रिपेयर की बटन आ जाएगी। जैसे ही रिपेयर पे क्लिक करेंगे रिपेयर आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसका मतलब है कि किसी प्रकार का कोई बग रहा हो, किसी प्रकार का कोई आपके फाइल के अंदर किसी प्रकार की कोई एरर रही हो रिलेटेड टू स्टोरिंग एंड रिलेटेड टू एक्सेसिंग, तो वो सारी प्रॉब्लम्स scan.psg के द्वारा रिजॉल्व हो जाएंगे। उसके बाद दोबारा आप अपनी पर्टिकुलर ईमेल्स को भेज और रिसीव कर पाएंगे। तो यदि आपके सामने कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई कि आपके आउटलुक के द्वारा ईमेल्स नहीं जा रही हैं या फिर आपके आउटलुक में ईमेल्स नहीं आ रही हैं, तो ऐसी सिचुएशन में यदि आप अपनी पीएसटी फाइल को मीन्स डेटाबेस फाइल को, आउटलुक की जो डेटाबेस फाइल है जिसका एक्सटेंशन .psg होता है, उस पर्टिकुलर पीएसटी फाइल को यदि आप रिपेयर करते हैं तो मे बी आपकी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जाती हैं और आप दोबारा से अपनी मेल्स को भेज और प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरीके से माय डियर फ्रेंड्स outlook.psg फाइल को आप रिपेयर करके अपनी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं, बेसिकली वो प्रॉब्लम जो सेंडिंग और रिसीविंग से रिलेटेड आई हुई है। सो माय डियर फ्रेंड्स आई होप सो आपको ये कॉन्सेप्ट विजुलाइज होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट एक्सप्लोरेशन के साथ माय डियर फ्रेंड्स, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट डे।